गया एवरीवन, सो माय नेम इज आवर्ड एंड भाई आज मैं खड़ा हूँ अपने टावर पर भाई। ठीक है, मतलब इतने दिनों बाद मैं वापस सोया मेरे टावर पे, मजा ही आ जाता है यहाँ पे सोने के बाद में। ठीक है, अभी मैं एंगल सही करता हूँ तो ब्रो तुम देख सकते हो अपने टावर से क्या क्या नजारा आता है ना। एग्जैक्टली पीछे की तरफ है ये पेड़ वगैरह, साइड में है माउंटेन्स, इस तरफ है अपने विलेजर्स एंड अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट लूंगा ना, मतलब हल्का सा, तुम देख रहे हो कुछ, ये कुछ दिख रहा है तुमको, ये फैंस वगैरह है, तो भाई यही है अपना नया हैंगिंग घर। ठीक है, तो अब देखो यार, वैसे देखा जाए ना तो वो घर अपना नहीं है, वो घर एग्जैक्टली चॉप द माफिया का है, अपने डॉग का है यार, बट अपना डॉग अपना घर उसका घर एक ही बात है। ठीक है, तो अभी मैं तुमको रिवील करता हूँ, ठीक है, एग्जैक्टली अपना घर कैसे दिख रहा है। बट एक काम करता हूँ, मैं ना यहाँ से ऊपर जाता हूँ, उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा, है ना, वहां से अच्छा व्यू आएगा यार। तो भाई एक तो यार इतनी अजीब अजीब आवाज़ें निकालता ना नज़र, यार सच बता रहा हूँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ कौन है यार ये आवाज़ निकालने वाला, बिकॉज नेदर के अंदर तो भाई मैंने देखा है ना पिगलिंस आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करते, ये कौन चिल्ला रहा है फिर। तो खैर नेदर को तुम मारो गोली यार, अभी मैं पीछे मुड़ने वाला हूँ, गेट रेडी फॉर आर न्यू हैंगिंग हाउस यार। तो ये देखो ब्रो अपना घर कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, मतलब तुम बताओ भाई लग रहा है कि नहीं लग रहा है, खतरनाक यार, है ना, बिल्कुल छोटा सा क्यूट डिजाइनर्स का, ठीक है ना, फुल बॉक्स रहने की ट्राई कर रहा है, मतलब मैं रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप में इसको रखूं, बिकॉज ये अपना टावर जो भी है ये भी खुद मतलब शार्प है, जिस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, अपना जो घर है वो भी क्वाड्रिलेटरल है। तुम ज्यादा मैथ्स में मत घुसो, ठीक है, अपन में गेम खेल रहे हैं ना, मैथ्स क्लासेस नहीं चल रही है यहाँ पे। ओके, अभी चलते हैं अपन नीचे की तरफ, ठीक है। अब तुम सोचोगे भाई आपका वो लग तो बड़ा मस्त रहा है हैंगिंग घर यार, पर आप जाओगे कैसे, ठीक है, जाने का रास्ते क्या जुगाड़ है यार, रुको भाई, ठीक है मैं तुमको सब बताता हूँ अभी। तो ये देखो ब्रो, अरे ये जो खुला है तो ये ओके, क्या हुआ अभी ये, अरे भाई कौन है यार ये, मैं कहाँ है, ज़ॉम्बी, इनविजिबल ज़ॉम्बी है क्या कोई, इधर तो नहीं है, मेरे घर के अंदर है क्या, अबे यहाँ से तो नहीं घुस गया, अबे कोई ऊपर ऊपर भी नहीं है, मैं तो घबरा गया था, मैंने कहा आज तो मर गया भाई, ज़ॉम्बी आ चुका है घर में, यहाँ पर भी नहीं है, है कहाँ पे भाई ये ज़ॉम्बी, आवाज तो आ रही है इसकी, मेरे घर के ऊपर है क्या ये, ऊपर भी नहीं है यार। एंड भाई अभी तक मेरे को ज़ॉम्बी की आवाज आ रही है यार, मेरे को लग रहा है ना ब्रो इसके अंदर कुछ ना कुछ लफड़ा लग रहा है, आवाज देखो बाप रे बाप यहाँ से आवाज आ रही है, रुको अभी मैं देखता हूँ, एंड इसके अंदर कैसा है ये, हाँ ए अंदर कैसा है, इधर बारह बारह बारह, ओ इसने स्टोन पकड़ रखा है हाथ में, आई आई कर रहा है इतनी देर से, मेरा ब्लॉक पकड़ लिया तो चोर कहीं का भाई, इसमें एंडरमैन भी चोर है, ज़ॉम्बी भी चोर है, सभी चोर हो भाई, अंदर स्पॉन हो गया था ये, एक काम करता हूँ ना मैं अंदर ही लगा देता हूँ ताकि स्पॉन ही नहीं हो पाएगा भाई सब। तो यार मैं तुम्हें अपना घर बताने वाला था, खामा का टाइम खराब हो गया, ठीक है अभी वापस स्टार्ट करते हैं अपन, बिकॉज भाई आज का मेन मुद्दा भी अपने को करना है कवर, वो है डायमंड ढूंढने का। उससे पहले मैं तो अपने घर के एंट्रेंस बता देता हूँ, ठीक है, ये देखो ब्रो यहाँ से अपन जाएंगे नीचे की तरफ, देन तुम चलते रहो एंड देन ब्रो मैंने यहाँ पे लगाई वाटर एलिवेटर एंड उससे तुम इतनी रफ्तार से जाओगे ना ठेठ ऊपर, अभी अपन जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम देख रहे हो भाई कितनी ऊंची है यार ये लिफ्ट, एंड उसके बाद में तुम्हें यहाँ पे रहोगे एंड यहाँ से बाहर, बिकॉज बाहर की तरफ मैंने लगाई है पेंटिंग, यहाँ से प्यार से बिल्कुल नीचे की तरफ जाना पड़ेगा अपने को, आ जाओ, थोड़ी बहुत लग जाती है ठीक है, एंड यहाँ से फिर मैंने ट्रैपडोर लगा रखा है, ठीक है इसके अंदर जाना है अपने को, इसको बंद कर देना है, एंड ये रहा भाई अपना छोटा सा बिल्कुल प्यारा सा घर, ठीक है मतलब ये रहा अपना चॉप, चारों तरफ मैंने कांच लगा रखे हैं भाई ना, कल मेरे को इसको बनाने में दिमाग खराब हो गया था भाई, लिटरली बता रहा हूँ हालत खराब हो गई, क्या है यार ये मजाक, मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर में बारिश हो जाती है यार यहाँ पे, भाई साहब बिजली कड़की आग लग गई है, बंदो तुम देख रहे हो, बिकॉज तेरे पास अब तेरा घर है तो सेफ रहेगा बिल्कुल यहाँ पे, एंड भाई चॉप द माफिया पे बैठा रहता है, मस्त लोगों को देखता रहता है ऊपर से, है ना, सब पे नजर रखता है, ये मैंने चेस्ट रखा है इसके अंदर चॉप द माफिया के लेके खाना है, एंड ब्रो तो बस यार यही छोटा सा रूम है ठीक है ना, माफिया का बड़ा कोजी कोजी सा रूम है, बहुत सही लगा है मेरे को तो यार, मेरा मन कर रहा है ना कभी कभी अपन यहाँ पे सो जाया करेंगे, देख लेंगे ब्रो, तो अभी अपन यहाँ से निकलते हैं बिकॉज ऑलरेडी अपन ने काफी टाइम खराब कर लिया है, और बातों को लेकर के मैन मुद्दा स्टार्ट करने का समय आ चुका है ब्रो, तो निकलने के लिए ना ये एक सीक्रेट रास्ता है मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें बस सिंपल से कूदना है एंड डायरेक्ट नीचे हो तुम लोग, ठीक है तालियां नहीं रुकनी चाहिए यार। तो भाई तुमने देखा क्या शॉर्टकट बनाया मैंने, बड़ा मस्त बनाया यार। अभी ना अपने को जाना होगा माइनिंग करने, डायमंड की माइनिंग करने, एंड उसके लिए पहले तो मैं उसको बंद कर लेता हूँ, उसके लिए भाई मैं सारा सामान इकट्ठा कर लेता हूँ, मतलब जितने भी अपने पास पिकैक्स वगैरह है ना वो सब, मेरे पास पिकैक्स ही नहीं है क्या भाई, क्या मजाक हो रहा है, मतलब एक पिकैक्स मेरे पास में है, एक हथौड़ी भी ले लेते हैं भाई इनकेस जरूरत पड़ जाएगी अपने को तो, एंड एक स्वॉर्ड बना लेता हूँ, काम करता हूँ आयरन तो मेरे पास है ये रहा, इसकी मैं सारी चीजें बना लेता हूँ ठीक है, मेरे को अभी खाना भी रख लेना चाहिए ठीक है, मेरे पास क्या क्या है यार, ओके 31 बेड मैंने रख लिया है ना, तो भाई अभी अपने पास में काफी सामान हो चुका है, अब अपन जा सकते हैं आज माइन करने, ओके इसको खोल दिया है मैंने, चलो भाई चलो,
एंड ये देखो ब्रो, मतलब पीरो लैंडिंग इसको ही कहते हैं, ठीक है। अभी अपन आ चुके हैं अपने माइनिंग वाले घर में, माइनिंग वाले एरिया में, एंड यहाँ पर सब चीजें है ना, मतलब ठीक है। एक पिकैक्स मेरे को ऐसे मिली गई है, ओके, एक और अकली मन है, ठीक है। तो भाई यार अब सब कुछ रेडी हो चुका है, अभी केवल अपने को जाने की देरी है। एंड ये गेट में खुल के चला गया था पिछली बार, भाई साहब वो तो सही रहा, क्रीपर नहीं आया तो हालत खराब हो जाती, ठीक है। अभी अपन निकलते हैं, इस साइड में जाऊंगा। तो ब्रो यहाँ से अपन इसलिए जा रहे हैं बिकॉज तुम देख रहे हो अपने को डायमंड जितना मिलते हैं, मेरे को जितना पता है, ठीक है ना, कि डायमंड्स मिलते हैं वाई 12 लेवल पर। एंड वाई 12 भाई यहाँ पर ही है, यहाँ पर तुम देख रहे हो कितना नीचे जाना पड़ेगा अभी अपने को। एंड चलते रहो चलते रहो चलते रहो, अभी ये कौन सा लेवल है मैं तुम बताता हूँ एक्जैक्टली। अभी अपन है भाई वाई 18 पर। क्या है स्ट्रीम, क्यों फेंक देता है बीच बीच में चीजों को यार, इतना सब कुछ सही चल रहा होता है एकदम से क्यों फेंकता है, बताना मेरे को। ओके, तो भाई एग्जैक्टली ना ये वाला जो लेवल है ना, जितना मैंने कल देखा था थोड़ी बहुत रिसर्च करके, तो ये जो लेवल है भाई एग्जैक्टली वाई 11 है। तो डायमंड ना वाई 12 पर होते हैं, एंड अभी तक ना पूरी जितनी भी अपन ने माइनिंग करी है भाई सबसे नीचे लेवल ही है, ठीक है। वाई 12 यहाँ पर ही है, ये जो एग्जैक्टली ये वाला एरिया ना यहाँ पर डायमंड हो सकते हैं। तो अभी अपन क्या करेंगे भाई, स्ट्रिप माइनिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड मैंने जितने भी अभी तक ज्ञान लगाया ना खुद का, जितना भी मैंने देखा है माइनक्राफ्ट, तो भाई जनरली डायमंड जो होते हैं ना वो जनरली लावा के पास में होते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी मेरे को यहां की लग रही है। अब भाई देखो डायमंड है यार, मिलेगा तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं भी मिलेगा, ठीक है। अरे कहना क्या चाहते हो, अभी तक सब सही चल रहा है ब्रो, मैंने सोच रखा है, ठीक है। जहां जहां पे अपने को आयरन दिखेगा ना, और रेडस्टोन भी है बहुत सही यार, जहां जहां पे आयरन दिखेगा ना वहां वहां पे माइनिंग करते चलेंगे, बहुत सही। रेडस्टोन मिल चुका है, काम करता हूँ भाई मैं माइन करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, सामने सामने की तरफ। अब अपन ने स्टार्ट कर दिया ब्रो स्ट्रिप माइनिंग, एंड यहाँ पे मैंने लगा दिया ये, कम ऑन चलो चलो करते रहो भाई। यार ये मैंने पहली बार ट्राई कर रहा हूँ स्ट्रिप माइनिंग, ठीक है, और अभी तक ना मेरे को कद्दू भी नहीं मिला, इतना स्ट्रिप माइन में ऑलरेडी कर चुका हूँ यार, सही तो कर रहा हूँ ना मैं ये। अभी ना मेरे को डाउट हो चुका है भाई सही में। ओए एक मिनट, इस तरफ से ना मेरे को कहीं से तो हड्डीबाज की आवाज आ रही है, ठीक है, इस तरफ हड्डीबाज, भाई हड्डीबाज की आवाज तो आ रही है मेरे को माइन मिली है एक। ओए मर गया, क्रीपर, शिट यार भाई मैंने लगाना भूल गया था, ठीक है, रिस्पॉन पॉइंट सेट करना, अभी जल्दी से निकलना पड़ेगा मेरे को यार। क्रीपर ना सच में वहां पे था नहीं, लेकिन ऐसे टाइम पे आ जाता है, सच बता रहा हूँ। ओके ब्रो रिस्पॉन पॉइंट सेट हो चुका है, अभी मैं जा रहा हूँ वापस से जहां से मैंने माइनिंग करना स्टार्ट करा था ब्रो, मेरा सामान वहां पर ही होगा ना, अभी तक तो वहां पर ही होना चाहिए बिकॉज इतना लेट हुआ नहीं हूं मैं। ओके ब्रो फाइनली मेरे को मेरा पूरा का पूरा सामान तो नहीं मिला, लेकिन काफी सामान मिल गया। एक मिनट रुक जाओ तुम, क्या ये वही है जो मेरे को दिख रहा है, हड्डीबाज तेरा लाख लाख शुक्रिया यार, तूने मुझे मारा, उसका एक अच्छा मकसद था भाई, वो एक बुरा आदमी बिल्कुल भी नहीं था, वो केवल अपने को राह दिखा रहा था डायमंड की तरफ, हड्डीबाज वेरी गुड। भाई क्या किस्मत है यार, लिटरली मेरी किस्मत ऐसी है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा सच में, बिकॉज मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक, इससे पहले कि कोई और आए मैं डायमंड चुराने वाला हूँ। डायमंड मेरे को मिल चुके हैं ब्रो, क्या बात है, तीन डायमंड्स, बहुत बढ़िया यार। इधर आयरन है, आयरन भी अपन ले लेते हैं, डायमंड अपने को यहाँ पे मिल गए, बहुत बढ़िया। अभी अपन चलते हैं अपन स्ट्रिप माइन करने, यहाँ से मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ, ओके, अभी अपन चालू करते हैं। भाई मेरे को लेदर पैंट्स मिले हैं, ठीक है, मैं पहन लेता हूँ उसको, कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा हूँ यार, ज्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा लेकिन फिर भी ठीक लग रहा हूँ। ओके वापस रेडस्टोन मिला है, बहुत सही ब्रो, मेरे को ना लावा की आवाज आ रही है अभी, ठीक है, मेरे को लग रहा है लावा आसपास ही होगा कहीं ना कहीं, तो अपने को बस अपने लेवल पर स्ट्रिप माइनिंग स्टार्ट रखनी है, ठीक है ना, अपने को भटकना ही नहीं है रास्ते से बस, और ध्यान भी रखना पड़ेगा कि भाई कहीं लावा नहीं आ जाए, ओके, बिकॉज मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कहीं, एक मिनट क्या चीज है, क्या चीज, हाँ भाई क्या हो रहा है यार, सच में ये मेरे साथ हो रहा है कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा ब्रो, डायमंड्स, ओके गाइस सच बता रहा हूँ, जिंदगी में ना मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा था कि डायमंड अपने को ऐसे मिलेंगे, आज शायद किस्मत बहुत ही ज्यादा सही है। सर थोड़े डायमंड और दे दो, बहुत बढ़िया, और डायमंड है क्या सर, थोड़े और मैं काम कर रहा हूँ, उधर ही माइनिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्या पता भाई और भी डायमंड्स मिल जाए अपने को, वैसे चांसेस कम होते हैं यार, एक बार डायमंड आपको मिल गया ना पूरा का पूरा स्टैक, उसके बाद में और भी आसपास हो, चांसेस तो कम है ब्रो, बट अपने को ना लावा भी मिला है कहीं आसपास। ओके रेडस्टोन है, ये भी कलेक्ट कर लेता हूं मैं, एंड ब्रो कुछ भी हो मेरे को ऐसा लग रहा है ना स्ट्रिप माइनिंग अपने लिए बहुत ही ज्यादा किस्मत वाली है, ठीक है, बिकॉज ब्रो मैंने माइनिंग और भी बार करी है लेकिन इतना सही कभी नहीं रहा मेरे लिए, ठीक है। अपने को अभी कितना डायमंड मिल गया भाई, 8 डायमंड मिल गए अपने को अभी माइनिंग करते करते, मतलब लिटरली और बहुत सही जा रहा है आज का दिन, चलते रहो। एक मिनट रुक जाओ तुम, बहुत है, कॉपीराइट भी होता है ठीक है जिंदगी में यार, भाई कितने डायमंड्स, सही था ना गाना, मतलब मेरे को लिटरली अभी इस मोमेंट पर ना यही याद आ रहा है भाई,
सच है यार ये बात, ठीक है। ऑल तो आसान ही नहीं है ब्रो, देखो मैंने ट्रेड वहां से स्ट्रिप माइन करना स्टार्ट करा है, अब जाके मेरे को डायमंड्स मिल रहे हैं, लेकिन मान गए भाई मान गए, आज तो भाई पूरा हाथ है भगवान का अपने ऊपर, ठीक है। मेरे को तो ऐसे लग रहा है ब्रो, अपने पास देखो ऑलरेडी ना पहले से अपने पास में कितने डायमंड्स हैं, अराउंड कुछ अपने पास में थे 7-8 डायमंड, एंड अभी अपने पास में आ चुके हैं ब्रो 8-10 डायमंड और आ चुके हैं भाई, क्या बात है यार, फुल अपन ना रईस हो चुके हैं यार माइनक्राफ्ट में भी, सच में लावा आ चुका है ब्रो, लावा आ चुका है, मजाक नहीं कर रहा हूँ तुमसे, लिटरली बता रहा हूँ लावा आ चुका है, कह रहा था ना मैं लावा आ चुका है, बहुत ही संभल के करना पड़ेगा अपने को काम अभी भाई साहब। पहले मैं ले लूँ ठीक है, इस वाले को लेता हूँ, लावा है पानी भी है बट डायमंड यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहे हैं, आगे जाना खतरे से खाली नहीं है ब्रो, ठीक है आगे अपने आप स्ट्रिप माइन करेंगे। ओके मेरे को पता था ठीक है ऐसे कुछ नाटक होगा, अब सब माइन है नहीं है भाई, खत्म है यार, ठीक है चलो कोई नहीं ब्रो, यहाँ पर इतना ही था ठीक है, अभी अपने को कहीं और जाके स्ट्रिप माइन करनी चाहिए। बट ब्रो 11 डायमंड अपने को मिल गए, बहुत सही यार 11 भाई, कोई छोटी बात नहीं होती है यार। ओ गोल्ड मिल रहा है, गोल्ड मिला है भाई, गोल्ड मिला है ठीक है, गोल्ड भी सही है भाई, गोल्ड कोई कम नहीं है अपने आप में काफ़ी सही है। एंड यार तुम में से ना काफ़ी लोगों ने मेरे को कल बोला था कि भाई यार गोल्ड आप लेके घूम रहे हो, इतना आप गर्व कर रहे हो गोल्ड पर, ब्रो गोल्ड जो है वो आयरन से कमज़ोर है माइनक्राफ्ट में। मैंने कहा रियली, मैंने चेक करा उसके बाद है, तो भाई तुम्हारी बात सच है यार, गोल्ड है सबसे कमज़ोर है यार, आयरन मतलब ज़्यादा ताकतवर है गोल्ड से, माइनक्राफ्ट क्या ये हरकत है, ये हरकत भाई जस्टिसेबल नहीं है यार, इसको मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, ये हो ही नहीं सकता यार, गोल्ड गोल्ड होता है ब्रो, अभी माइनक्राफ्ट हर कुछ ही करेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। ओके अभी अपने को करता रहना है भाई ठीक है, अभी मेरे को ना थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं डायमंड मिलने के यार, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, डायमंड अभी अपने को और भी मांगता है, बिकॉज ना ब्रो मैं चाहता हूँ एक और एपिसोड बनाऊं जिसमें मैं लिखूंगा मेक एवरीथिंग ऑफ डायमंड, ठीक है। पिछले अपन ने गोल्ड का करा है, इस बार किसका ऑन है भाई ये, जो भी है तो मैं तुमसे बोल रहा था कि भाई मैं ना अब चाहता हूं अपन एक ऐसा बनाए इस बार एपिसोड मेक एवरीथिंग ऑफ, जिंदगी सफल हो गई है भाई मेरी ठीक है, एक बार वापस से सुना जाए उस गाने को यार, वापस से बनता है ब्रो, वापस से बनता है ठीक है, दो नहीं ने क्या हो गया, बहुत सही सर बहुत है, दो लाइन बहुत है आपकी बार के लिए, अगली बार 3 लाइन चलाएंगे भाई, डायमंड मिलता रहे मैं पूरा गाना बजा दूंगा, मेरे को कॉपीराइट की कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इतनी भाई, डायमंड यार लिटरली ब्रो दिल से बोल रहा हूँ भाई, बहुत अच्छा लगता है ठीक है, जब डायमंड मिलता है ना बहुत अच्छा लगता है यार, मैं पहली बार इतनी स्ट्रिप माइनिंग कर रहा हूँ, एंड भाई आज से ना मैंने फिक्स कर लिया जिंदगी में करनी है तो केवल स्ट्रिप माइनिंग करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है ठीक है। लापिस लजुली, सच में लापिस लजुली मिला है ब्रो मेरे को, अरे हट कोबल स्टोन यार, लापिस लजुली बहुत बढ़िया ब्रो, मजा आ रहा है, करते जाओ माइंड करते जाओ, बस रुकना नहीं है ठीक है, करते जाओ ब्रो। देखो यार अपने को ना चीजें बड़ी मस्त मस्त मिली है, मतलब डायमंड मिल गया, लापिस लजुली मिल गया, गोल्ड मिल गया ठीक है, बट अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं लावा में गिर के सबको खराब कर दूं ठीक है, इसलिए बहुत ही सतर्कता से अपने को माइंड करना पड़ेगा अभी ठीक है बाकी का। एंड मैं 4-4 करूंगा तो कुछ ज्यादा फायदा मिलेगा क्या मेरे को, अगर मैं ऐसे 4-4 वाले ब्लॉक करूं या 2-2 के करूं, क्या करूं बताओ, तुम लोग कमेंट्स में बताना ब्रो, 4-4 के करने से कुछ होता है क्या, मतलब प्रोबेबिलिटी तो बढ़ती है वैसे यार, लेकिन टाइम भी ज़्यादा बढ़ जाता है ना। स्टीव मैं जानता हूँ तुझे बहुत मेहनत लग रही है सब करने में ठीक है, लेकिन सच बता रहा हूँ जैसे अपने को डायमंड मिलेंगे ना और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा अपन दोनों को, इसे लगे रहो। अरे कुछ नहीं हो रहा है यार डबल करने से तो मेरे हिसाब से ठीक है, बस टाइम ही खराब हो रहा है, हट मैं नहीं करा डबल, भले दिन रात एक क्यों ना हो जाए, भले ये पत्थर तोड़ते मेरे हाथों में लकीरें क्यों ना पड़ जाए, कुछ भी हो जाए डायमंड ढूंढेंगे हम आज ठीक है, ऑल द मेरे को मिल गया डायमंड बट और भी डायमंड आज ढूंढेंगे हम। एंड यार जो चीज़ है कोई केव से करा क्यों नहीं हो रही यार, पहली बार में तो इतनी जल्दी हो गई थी, अभी कोई केव क्यों नहीं आसपास, भाई पिकैक्स टूटने वाली है अपनी, टूट गई वेरी नाइस, अब लास्ट पिकैक्स बच रही है अपनी ठीक है, अगर आज इससे एक और बार डायमंड मिल जाते हैं ना स्वाद आ जाएगा लिटरली बता रहा हूँ मैं तुमको, प्लीज यार थोड़े से डायमंड और दे दो हमको प्लीज, मेरे को लगता है जितना मिलना था मिल लिया, भगवान ने बोला बेटा बहुत हो गया, बार बार गाना चला के ना ज्यादा मस्का मत मार मेरे को ठीक है। यहाँ पे वापस अपने को रेड स्टोन मिला है, लेकिन मेरे पास बहुत हो चुका है, हमको चाहिए ही नहीं अब यार, यार फिर से आ गया तू यार, कितनी इज्जत कम करेगा बे भाई, मेरे को पानी की आवाज़ आ रही है ठीक है आसपास से। एंड फाइनली मेरी पिकैक्स टूट चुकी है भाई, जितना अपने को मिलना था आज मिल लिया ठीक है, डायमंड वगैरह सब कुछ इतने आज अपन ने कराया भाई माइंड, लेकिन ओवरऑल अपने को डायमंड मिले 16 डायमंड्स यार,
मजा ही आ गया, सच बता रहा हूँ मैं। आज होगी पार्टी, आज चापकू दूंगा मैं भाई, बहुत ही जबरदस्त वाला खाना। एंड भाई मैं तुमसे ना एक सजेशन चाहता हूँ, सजेशन कुछ इस तरह से है कि भाई तुम मेरे को बताओ, बिकॉज अपने पास में अब डायमंड काफी हो चुके हैं, तो तुम लोग मेरे को बताओ कि ब्रो अपन सबसे पहले इस डायमंड का क्या बनाए, ठीक है? मतलब सॉर्ड बनाने का सोच रहा हूँ मैं तो खास करके, बिकॉज ना भाई सॉर्ड में अलग ही फील आएगा, ठीक है? ओके ब्रो, तो फाइनली मैं आ चुका हूँ इस वाले घर में, ठीक है, चॉप द माफिया के घर में यार। एंड खत्म करते हैं आज के इस वीडियो का, आई होप दैट यू लाइक इट। अपने को मिल चुके बहुत ज्यादा डायमंड, हैशटैग गेम ओवर ब्रो। ना कमेंट करके जरूर बताना कि अपन पहले कौन सी चीज बनाए, ठीक है? मैं सॉर्ड का सोच रहा हूँ, बाकी तुम लोग बताना, जो बताओगे वो बनाएंगे, ठीक है? बाय बाय यार।